हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दो दिन हो गए भाई, एब्सेंट हो गई है आप सभी लोगों के लिए, वीडियो नहीं आ रहे थे। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक बेहतर वीडियो अपलोड हो रहा है। ये अभी मतलब बन ही रहा है, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ आप लोगों के साथ मैं वादा कर रहा हूँ कि बेहतर रहेगा ये वाला ब्लॉग, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और फिलहाल अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:30 बजे और मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। और जो धान की फसल का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मींस धान को काट दिया है और अभी सुखाएंगे उनको और उसके बाद जो धान के बीज हैं वो निकाल देंगे। फिर उसके बाद जो घास घास रह जाता है वो सूखने के लिए डाल देंगे, सर्दियों के टाइम में वो काम आता है। तो ये देखिए मेरे पीछे अभी कुछ लोगों ने काफ़ी लेट बीजे हुए थे धान, तो अभी तक चल मतलब पक्के नहीं है, ये अभी ग्रीन ही है। और यहाँ पर मेरे पीछे ये देखिए ये घास बीजा हुआ है, तो अभी धीरे धीरे सभी लोग अपने खेतों को खाली कर रहे हैं और फिर प्रिपेयर करेंगे नई फसल के लिए। तो नई फसल रहेगी गेहूँ। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ अपने काउसेड के पास और काउसेड अब बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है, ये देखिए मेरे पीछे। बाकी बैक कैमरा से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब काउ साइड हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब पक्का बना दिया है हमने ईंटों से, पहले मिट्टी की ईंटें लगाई हुई थी और कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो ये भी आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो ये भी आज दिखा दिया आप लोगों को। धीरे धीरे ही हर एक काम स्टार्ट होता है, अगर आप लोगों को विश्वास है कि आप लोग उस चीज़ को कर सकते हो तो वो एक ना एक दिन ज़रूर आप लोगों के सामने उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों के ही सामने अपने काउसेट का हमने काम स्टार्ट किया हुआ था और आज देखिए पूरा का पूरा ये जो हमारा माइलस्टोन है ये कम्प्लीट हो चुका है। तो फ्रंट से कुछ इस तरह की लुक है, यहाँ पर हमने सीमेंट का प्लास्टर वगैरह करवा दिया है और जैसे आप लोगों को बताया हुआ था कि बैक साइड से जैसे कि पहले था काउसेट, मतलब छत हमने स्लेट की ही डालनी थी, तो बैक साइड से वैसे ही बनाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी हो गया था कि आप लोगों को हमने अपने गांव की सीनरी वगैरह भी नहीं दिखाई थी। तो ये देख सकते हैं हमारी जो बफेलो है वो हमने यहाँ पर रखी हुई है। तो एक ये काउ सेट भी है हमारे पास बैकअप के लिए, क्योंकि जो हमारी खेतीबाड़ी है बहुत ज़्यादा है, जब गेहूँ होती है उसके बाद जो उसकी तूड़ी वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा तूड़ी निकलती है, तो तब जाके इस वाले काउ सेट को एज ए बैकअप रखा हुआ है। यहाँ पर हम रख देते हैं जैसे तूड़ी हो गई, जैसे अब ये हमने मक्की बीजी हुई थी तो मक्की का छलेटा बोला जाता है हमारे लोकल लैंग्वेज में, जो पूरा का पूरा पौधा होता है मक्की का, तो उसको भी सूखने के लिए डाल देते हैं, सर्दियों के काम के लिए काम आता है वो चीज़ें। और अच्छी तरह से सुखा करके अगर आप लोग डालें तो कई सालों सालों तक ये घास चला रहता है। और अब पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर अपने गाँव वाले घर में, तो ये भी आप काफ़ी दिनों के बाद देख रहे होंगे और जिनको हमारा ये वाला जो घर है देखना पसंद है तो उनकी इच्छा भी पूरी हो गई इसी बहाने। बाकी जो हमारा किचन है, किचन के साथ हमारा छोटा सा गार्डन है, उसमें भी हमने सब्जियां वगैरह लगा दी है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर दिया है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये हमारी रिसेंट फसल है धान की, तो ये अभी आधी ही है, बाकी आधी फसल जो धान काट कर लाए हुए हैं लेंटर के ऊपर हमने सुखाने के लिए डाले हुए हैं। तो इस तरह से देखिए ये दाने दाने अलग कर देते हैं और ये देखिए दूसरी साइड है, तो ये है अभी इनको हमने मतलब दाने अलग करने हैं और फिर ये जब रह जाएंगे पार्ट तो ये घास बन जाता है, इनको सूखने के लिए डालने हैं। और आज का ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा गांव वाले घर में ही, तो यहीं पर ही हमने आज खाना बनाया हुआ है और बाणी और उसकी मम्मा घर पर ही है, तो उन्होंने 4-5 चपातियाँ बना ली थी प्रियंका ने ऊपर ही, बाकी हम सभी तो आ गए हैं नीचे। और ये है हमारा किचन, बाकी अगर साफ़ सफाई आप लोगों को उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कम सम ही आते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चला हुआ है कामकाज, तो टाइम भी नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे ही हमारी इस फसल का काम अच्छे से हो जाएगा पूरा पूरा कम्प्लीट, फिर पूरे के पूरे घर की हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे और फिर बाणी को भी लाया करेंगे यहाँ पर।
मौसम की बात करूं तो मौसम आजकल नीट एंड क्लीन ही रहता है, पूरा दिन भर धूप लगी रहती है, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है और हल्की हल्की सर्दी आना भी शुरू हो गया है, तो कंबल वगैरह ओढ़े जा रहे हैं, बाकी रजाइयाँ वगैरह भी निकाल दी गई हैं। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम, मतलब उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है, सर्वाइव हो जाता है, लेकिन जैसे छोटी बिटिया रानी बाणी है तो उसको हम हल्के फुल्के मतलब थोड़ा सा गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए किचन गार्डन को भी हमने अच्छी तरह से मेंटेन कर दिया है, बीच बीच में आप देख रहे होंगे हमने नालियाँ निकाली हुई हैं मिट्टी की ही, तो यहाँ पे आलू वगैरह भी भीजे हुए हैं हमने और कुछ और पापा ने ही भीजी हुई है इस बार क्यारी पूरी की पूरी, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ में था तो मुझे आइडिया नहीं है कि इस बार क्या क्या लगाया हुआ है। और किचन गार्डन के बिल्कुल ये देखिए जो साइड को हैं ये बैंगन के पौधे हैं, अभी भी अच्छी खासी फसल दे रहे हैं, बीच बीच में हम ले जाते हैं बैंगन यहाँ से और एक दो आलू डाले और आराम से आपकी सब्जी भी बन जाती है। और ये दाल भी लगाई हुई है हमने, धीरे धीरे जो भी खेत खाली हो रहा है उसकी हम अच्छे से डीप क्लीनिंग भी कर रहे हैं। और ये हमने यहाँ पर खाद भी डाल दी, गोबर की खाद है ये, आप लोगों को दिखाया था हमने केंचुआ सेट बनाया हुआ है, वहीं पर हम गोबर फेंकते हैं जो हमारे जानवरों का है, और फिर जो केंचुआ है वो काफ़ी नरम कर देता है गोबर को। तो ये पूरा पूरा देखिए इस खेत में हमने ये गोबर वाली खाद डाल दी है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने खेत को बीजने की। हालांकि हम बीज नहीं डालेंगे गेहूं का अभी, बिल्कुल मतलब ऐसे ही खाली ही इसको बीजेंगे ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि जो पुरानी वाली फसल है तो उससे घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है और होता भी ऐसे है, मतलब एकदम से ही बीज नहीं डलता है, पहले दो तीन बार क्लीन करना पड़ता है काफ़ी अच्छे से। तो आज चलिए करते हैं इसकी मिट्टी को नरम, क्लीन करते हैं इस खेत को अच्छे से। तो ट्रैक्टर से पूरा पूरा मैं आप लोगों को बताऊं पूरा पौना घंटा लग गया होगा इस खेत को, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा खेत है और तकरीबन 400 मीटर का है ये खेत और चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो पूरे के पूरे इसको मैंने अच्छे से ट्रैक्टर से नरम कर दिया है इसकी मिट्टी को, और जितना भी घास वगैरह है वो सारा का सारा अब हम इकट्ठा कर रहे हैं। घास का मेरा मतलब ये नहीं है कि बड़ा बड़ा घास होता है जो मतलब इस मिट्टी में से निकलेगा अभी, क्योंकि अभी अभी इसमें ट्रैक्टर चलाया है मैंने, ये देखिए ये इस वाले घास की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा पूरा अब हम इकट्ठा करेंगे एक जगह पे और जब एक सूख जाएगा तो इसको हम जला देंगे। और साथ के साथ साइड में जो भी नालियाँ वगैरह थी जहाँ से पानी बहता है बारिश के दौरान, तो उनको वैसे की ही वैसे हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं हम आने वाली नई फसल की। और इस वाले खेत में हमने काफ़ी कॉस्टली बूटे भी लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि चंदन के बूटे, आम हो गया, संतरे हो गए, पपीते हो गए, नींबू हो गया और पॉपुलर के पेड़ हो गए। तो काफ़ी केयरफुली यहाँ पर ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं कि ये देखिए बीचों बीच हैं हमारे खेत के से, तो यहाँ पर काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है ट्रैक्टर। और अब बहुत प्यारा नज़र आ रहा है ये खेत, क्योंकि अब इसको ऑलमोस्ट हमने क्लीन कर ही दिया है। साथ के साथ ये देखिए ये हमारे सेब के पौधे थे तो इनकी टहनियों को भी हमने काट दिया है। और ये है हमारी भैंस और इसका छोटा सा बच्चा। तो ऑनेस्टली बताइएगा बोर तो नहीं हो गए आप, क्योंकि आज का जो पूरा पूरा ब्लॉग है वो गांव के ऊपर ही बेस्ड है और हमने आप लोगों के साथ शेयर की जानकारी कुछ हम किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने आने वाली फसल के लिए, और जो पुराने वाली फसल थी धान की उसको भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, रखेंगे, सुखाएंगे पहले बीजों को, और अभी थोड़े जो काट तो हमने पूरे के पूरे धान लिए हैं, बस सुखाने को हैं। जब अच्छी तरह से सूख जाते हैं धान का पौधा तो उसके बाद मतलब जो बीज है उनको अलग करना पड़ता है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सुखाने के लिए हम डाल देते हैं, उसका घास बन जाएगा विंटर्स के टाइम के लिए। तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि स्लेट वाली छत कैसी नज़र आ रही है और अंदर से भी मैं आप लोगों को एक लुक दिखा देता हूँ कि अंदर से ये छत कैसी बनी हुई है। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन है, जो हमारा घास है और जो हमारी तूड़ी वगैरह होती है तो वो चीज़ें हम यहाँ पर रखा करेंगे। काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया है, अब तो बहुत बड़ा स्पेस खुला डुला हो गया है हर एक चीज़।
तो मेरा जितना काम था वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब निकलते हैं ऊपर वाले घर की तरफ, क्योंकि अब प्रियंका ने भी स्कूल को जाना है और वो भी इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि बहन बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, वो प्रियंका को तैयार नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा ज़िद करती है कि मैंने भी स्कूल जाना है, ये सो वो, और बहुत ज़्यादा नोटी भी हो गई है, ज़िद्दी तो इतनी हो गई है कि आप लोग पूछिए मत, किसी की बात ही नहीं सुनती। जो उसके मन में है वो जब तक पूरा का पूरा वो कंप्लीट ना कर दे तब तक नहीं मानती। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करता हूँ इसकी एंडिंग यहीं पर ही, बाय बाय।